रोल्स मिलता है, आप लोग अपना एंटरप्राइजेस स्टार्ट करके खुद का स्वावलंबी आप लोग बन सकते हैं। यदि खुद नहीं विचार किया कोई आके हम लोग को समझाएगा नहीं। आपको लग रहा होगा ये दीदी तो बड़ा बता रही है, कैसे ये कर सकती है। मैं भी जब MHSC कंप्लीट किया, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें स्वावलंबी बनना चाहिए। हमें लगे स्वावलंबी होता क्या है, बनना क्या है। उन्होंने मुझे बहुत ही कम पैसा देते हैं और कहते हैं इससे तुम आंवला मुरब्बा बनवाओ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फूड टेक्नोलॉजी है। पर मैंने पढ़ाई करते समय कभी आंवले का कोई आइटम नहीं बनाया। मेरा फूड टेक्नोलॉजी हो गया था, फर्स्ट डिविजन से पास हो गई थी, यूनिवर्सिटी में भी पोजिशन था, लेकिन हमें मुरब्बा बनाते नहीं आता था। ये अपनी शिक्षा की कई कमियां भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से होना है, लोगों को आना चाहिए, है ना। ये सब आ गया। तो मैं एक छोटा उदाहरण क्या बता रही हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर की थी, कभी हमने कुछ काम नहीं किया, लेकिन नाना जी थोड़ा पैसा देते मुरब्बा बनाओ, तो हम जैसे तैसे हमारे मतलब वहां के लोगों ने हमें मदद किया, मुरब्बा बन गया। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने जाके नाना जी को बता दिया, नाना जी मुरब्बा बन गया। नाना जी तब 75 इयर्स पार कर चुके थे, कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व। और उनको जाके हमने बोला नाना जी मुरब्बा बन गया। अरे बन गया तो मैं क्या करूंगा, इसको बेचो। हमारे दिमाग में आया, एक तो पहले हमसे मुरब्बा बनवाया और मुरब्बा बनाने के बाद कहते बेचो, बेचने का काम मेरा थोड़ी है। लेकिन हमने छोटा तराजू लेते हैं, एक एक किलो कोई भी आ जाए, जैसे पुष्पेंद्र भाई साहब आ गए, समझ लो भाई साहब मुरब्बा खरीद लो, कितने रुपए है 20 रुपए, भाई साहब ले लो। मतलब आपस में बात करते हुए हम लोगों ने 1.5 क्विंटल मुरब्बा बेचा और खूब सारा पैसा आ गया। पैसा आने के बाद हमने ना गिनती लगाया उस पैसे का, ना कुछ करा, सीधा फिर नाना जी के पास पहुंच गए मैं और कहने नाना जी अब पैसा आगे ले लो। तो नाना जी हमें कह रहे हैं मैंने तुम्हें कब पैसा दिया। हमें लगा नाना जी ओल्ड एज हो गया, ये भूल गए। नाना जी को फिर मैंने कहा नाना जी आप हमें कुछ पैसा दिए थे ना, उसके बदले में हम इतना सारा लेकर आए, ले लीजिए। फिर नाना जी ने कहा नहीं मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया। फिर मैंने कहा नाना जी आप हमें पैसा दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी इंटेलिजेंट, नाना जी भूल गए। नाना जी ने बोला मैंने जो पैसा दिया कभी लिखा है क्या। समझ के आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति बिजनेस हो या स्वावलंबी सेल्फ रिलायंट बनना चाह रहे हो या आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हो या देश को आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर करना चाह रहे हो, प्रत्येक हिसाब किताब अपनी पेपरों में होनी चाहिए। इतना ट्रांसपेरेंट जो अकाउंट सिस्टम रखता है वही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कर सकता है। पाप का बात है, पाप नहीं करना है। यदि आत्मनिर्भर की बात है तो कहीं कोई गलत बातें नहीं होनी चाहिए, तो लिखा पड़ी। फिर हमने जब नारी है हम तो मूर्ख है। फिर नाना जी ने धीमे धीमे करके हमें सिखाया। उस उद्यमिता एक छोटा सा मतलब लोन में जहाँ गाड़ी खड़ा होता ना पार्किंग करने की जगह पे मुरब्बा बनाते थे, बाद में हम लोग टंस में बनाने लगे। उद्यमिता विद्यापीठ के नाम से वो पूरा फेमस हो गया। बहुत बड़ा मतलब कार्यशालाएं वहां चलती थी, लोकल के सब चीजें हम लोग बनाते थे, माइक्रो कॉन्क्रीट रूफिंग टाइल्स से लेकर हम लोग कपड़े से लेकर मतलब आटा चावल दाल तेल बिस्कुट मतलब न जाने कितने उद्योग हम लोग आंवले के 250 प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते थे। फिर आपके फार्मेसी की बात करें तो अपने यहाँ के ही होम्योपैथी से पढ़ाई के थे डॉक्टर विजय प्रताप सिंह जी, वहां पर आयुर्वेद का बहुत बड़ा रसशाला चलाते थे। उसके भी हम लोगों ने लाखों रुपए का पूरा हम लोग कमा कर लोगों को गांव वालों को मदद करते थे। क्यों बोल रही हूँ, एक साधारण सी नंदिता एक व्यक्ति व्यक्तित्व महापुरुष के संपर्क में आने से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सब बच्चे दक्ष महाविद्यालय में पढ़ते हुए क्या नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। तो अपना विचार करिए, खूब यूट्यूब्स देखिए, खूब मोबाइल में सर्च करिए, सफारी में सर्च करिए,
और गूगल में सर्च करिए कौन ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो फार्मासिस्ट बनकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका बायोडाटा पढ़िए, उनके बारे में जानिए कैसा ड्रग कॉम्पोजिशन बनता है, आयुर्वेद हो एलोपैथी हो सबके बारे में पढ़िए। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं आज के डेट पर नेट में मतलब आपको पूरी गूगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गूगल के डेटा को गूगल को भगवान मानकर सच मत मानिएगा, उसको आपको पूरा देखना पड़ेगा ये सच है कि गलत है कि क्या दे रहा है। वहाँ लेना है मैटर, अपने सर लोगों से बात करना है, एथेंटिसिटी के साथ आप उसको क्लियर करिए, काम करते जाइए। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है अपने गांव में, अपने शहर में, अपने छतरपुर में, अपने सागर संभाग में, अपने पूरे भारत मध्य प्रदेश में, अपने भारत देश में कोई भूखा न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे। अपने गांव, अपना शहर, अपना मोहल्ला हरा भरा साफ सुथरा विवाद मुक्त हो, और अपनी जितनी पब्लिक एमिनिटीज है जो सरकार के द्वारा दी हुई जितनी भी संस्थाएं हो, जगह हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कॉलेजेस हो, ये सब साफ सुथरा हो, यही आत्मनिर्भर भारत है। और अपनी बैंक में थोड़ा पैसा हो, आवश्यकता पड़ने पर हमको किसी साहूकार के सामने जाकर हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए आप सब कृत संकल्पित होंगे। ऐसा लगता है ये बड़ी बातें लगता है, लेकिन मुझे देखकर आपको विश्वास हो सकता है ये सब काम हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हूँ। जब हमारे द्वारा नाना जी करा सकते हैं तो बच्चे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए आप लोगों को बस थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करके, फार्मेसी पढ़ रहे हो तो अच्छा फार्मासिस्ट पढ़िए, बनिए, लोगों को मदद करिए, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, वो बेचारा कलपता रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लेकिन आपकी दवाइयाँ और आपके जैसे अभी नर्सेस है तो उनकी जो सेवा है डॉक्टर्स का, उनको जीवन प्रदान करते हैं। तो आप लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और लाइफ लॉन्ग हेल्थ में आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। कोई व्यक्ति बीमार भी ना पड़े ये कल्पना भी अपनी भारत में है, इसी को माननीय नाना जी ने हम लोगों से कराया था कि व्यक्ति बीमार भी ना पड़े, तो क्यों ना फिर इसीलिए योगा डे के दिन हम सब लोग एक दिन सूर्य नमस्कार करते नहीं, रोज किया करिएगा, क्योंकि खुद करी मैं कभी कभी कर पाती हूँ, लेकिन आप लोग बच्चे को सुबह जब उठोगे तो जरूर कर सकते हो। और जैसे भोजन मंत्र होना ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। भोजन आ गया, पाँव फूल गए या प्लास्टिक चप्पल पहन के अपन खाना खा लेंगे तो वो भोजन नहीं पचेगा ढंग से। चप्पल उतारना ये भारतीय परंपराएं है, ये आपको पता होना चाहिए, घर में पालन होनी चाहिए। तो चप्पल उतारा, पाँव धो लिया, हाथ धो लिया, थोड़ा मुंह को साफ कर लिया, आराम से पद्मासन में बैठे, चाहे पत्थर में बैठे लेकिन पद्मासन में बैठा, भोजन आ गया, एक बार हम लोगों ने भगवान को याद कर लिया कि भगवान आपने जो प्रसाद दिया ये सबको मिले, हमको जो दे रहे हो इससे शक्ति मिले, तो हम लोगों ने और सुबह उठते साथ दोनों हाथ को देख कर कराग्रे वसते लक्ष्मी करवध्ये सरस्वती करमुदेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शन समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वे, ये दो श्लोक बोलकर आपके जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करके उठना, और भोजन आ गया तो भोजन मंत्र पढ़ना, इतना भी कर लेंगे तो व्यक्ति की बीमारियां बहुत कम हो जाता है, खुशहाली का जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी यही है कि हम सब लोग स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, अच्छा रहे। जब आएंगे तो आप लोगों को मिलेंगे, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा स्वार्थ से भी आपके पास आई, जितना हम लोग आत्मनिर्भर की बात करते हो या सेंट्रलाइज इंडिया की बात करते हो या अच्छी योजनाओं की बात करते हो